तक की गिरफ्तारी के विरोध में एनएसयूआई ने किया है प्रोटेस्ट। एनएसयूआई ने कलेक्टर कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है और इसी गिरफ्तारी के विरोध में एनएसयूआई ने किया है जोरदार प्रदर्शन। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। यहां पुलिस कर्मियों के साथ इन कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे कलेक्टर दफ्तर के बाहर। ये जोरदार प्रदर्शन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आप देख रहे हैं। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को रायपुर जेल में रखने के बाद में लगातार जो है वो प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। आज एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर कलेक्ट्रेट के गेट पे चढ़ गए थे और उसके बाद यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। धरने के दौरान पुलिस प्रशासन और जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में जो है वो जमकर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो जमकर बहस भी हो रही है और जमकर बहस भी हुई। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर उतरे थे। उनका कहना था कि इस तरह का प्रदर्शन जो है वो बंद किया जाए। एनएसयूआई का कहना है, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन करने की चेतावनी दे चुकी है और अलग अलग चरणों में इस तरह के प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से कलेक्ट्रेट में जो है ये पूरा माहौल बना हुआ है और किस तरह के झुमाझटके जो है वो हो रही है। एडिशनल एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के वो बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर हम जो है एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन उनका है।